हम दो मूवी के बारे में बात करेंगे, दोनों के दोनों एक्शन ड्रामा चाइनीज मूवी होने वाली है। बात करते हैं पहली मूवी की, जिसका नाम है रेसिंग शाओलिन द प्रोटेक्टर। तो इस मूवी में कहानी हमें एक ऐसे लड़की की दिखाई गई है जिसका नाम वू है, और वू जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुसाफिरों को लूटता है और उसी से उसका और उसके दोस्तों का गुजारा चल रहा होता है। वू का 10 साल का एक बेटा भी होता है और उसके दोस्त गर्लफ्रेंड है, जिंदगी उसकी अच्छी खासी चल रही होती है। लेकिन वू जो लूटपाट करता है उसकी जानकारी राजा को चल जाती है, और राजा अपने सेनापति और बहुत सारे सैनिकों को उन लोगों को पकड़ने के लिए भेजता है। वहां पर वू के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं, लेकिन वू अपने बेटे के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन आगे एक सीन ऐसा देखने के लिए मिलता है कि वो सीन इमोशन कर देता है। वू का जो बेटा होता है उसे जो है खोना पड़ता है, और वू जो है वहां पर एकदम सुन हो जाता है। लेकिन वहां पर एक जो शख्स आता है शाओलिन बुद्धा, वो उसे समझाते हैं और उसे एक नई दिशा और एक नई जिंदगी देते हैं। वो जो है अब उनसे कुंफू सीखने लगता है। आगे जाकर कुंफू सीखने के बाद क्या वो अपने दोस्तों का और अपने बेटों का बदला उन लोगों से ले पाएगा, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में आपको बहुत सारे एक्शन अच्छे अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, कॉमेडी है, रोमांस है। इस मूवी की बात करते हैं जिसका नाम है द गार्डमैन, ये भी एक एक्शन चाइनीज ड्रामा मूवी होने वाली है। तो इस मूवी में हमें चाइना और जापान के युद्ध को दिखाया गया है। चारों तरफ भगदड़ मची होती है, जंग के हालात होते हैं, और आम लोग जो है बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, लूटपाट चल रहा होता है। लेकिन इस सब को रोकने के लिए हमारा हीरो जो है एक समूह एक राजा के लिए काम करता है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती है और उसे मारने के लिए जो है बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि शांति स्थापित हो, बस ऐसे ही चलता रहे, और उसी में उन लोगों को मजा आता है। लेकिन कैसे ये सभी चीजें ठीक होने वाली है, ये सभी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में आपको सिर्फ एक्शन देखने के लिए मिलता है और कुछ भी नहीं, ठीक ठाक एक्शन है। मुझे इतनी खास मूवी अच्छी नहीं लगी। देखो ये सिर्फ एक्शन ही देखना मेरे लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा कॉमेडी रोमांस चलता है तो इंजॉय करने में आसानी हो जाती है। खैर अगर आप इसे देखना चाहो तो इसे भी आप G5 पर हिंदी में देख सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।